अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पिछले लेक्चर में लिक्विड का टॉपिक पढ़ा था जो कि था बॉइलिंग पॉइंट। तो मेन कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है ना, हमने लिक्विड की जो इम्पोर्टेंट थी वो डिस्कस कर ली हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सॉलिड। तो आपको पता है कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर एक डेफिनेट इसका शेप होता है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और जो इसके अंदर पार्टिकल होते हैं वो बहुत करीब करीब मीन क्लोजली पैक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, इस तरीके से एक बिल्कुल बड़े ही अच्छे पैटर्न के साथ बिल्कुल करीब करीब ये एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं, मीन पैक होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। और इस क्लोज पैकिंग की वजह से इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, इंटर मालिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, और उसके बाद ये मोशनलेस पार्टिकल होते हैं, और सॉलिड के अंदर जस्ट जो है ना वाइब्रेशनल मोशन होती है। वाइब्रेशनल मोशन मीन इसके जो पार्टिकल होते हैं वो जस्ट ऐसे वाइब्रेट करते हैं, अपनी मेन पोजिशन के अराउंड वाइब्रेट करते हैं। तो ये जस्ट हो गया थोड़ा सा इंट्रो अबाउट सॉलिड। तो सॉलिड उसके बाद आता है, इसकी टाइप्स होती हैं सॉलिड की मुख्तलिफ, जिसमें सबसे पहली टाइप है अमार्फिस सॉलिड। अमार्फिस का जो मतलब होता है, सिंपल वर्ड में उसका मतलब होता है शेपलेस। इसका मतलब हुआ कि कोई ऐसा सॉलिड होगा जो कि शेपलेस होगा, जिसके जो आइंस या मालिक्यूल या एटम्स जो आपस में मिले होंगे वो एक रेगुलर पैटर्न के साथ नहीं मिले होंगे, मीन इररेगुलरली आपस में जुड़े होंगे। जैसे एक चीज़ बड़े ही एहसन अंदाज में, जैसे हम मुख्तलफ दीवारें जब बनाते हैं घरों की या कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें हम देखें कितने ही अच्छे अंदाज से एक ईंट रखते हैं, उसके ऊपर सेकेंड, उसके ऊपर थर्ड, तो एक बिल्कुल पैटर्न होता है फिक्स। लेकिन ये जो अमार्फिस सॉलिड हैं, इनके अंदर कोई ख़ास किस्म का इस तरीके का पैटर्न नहीं होता, मीन इररेगुलर शेप होती है इसकी। और उसकी एग्जांपल जैसे हमारे रबर है हमारे पास, या प्लास्टिक है, या उसके बाद ग्लास है, जो शीशा होता है, ये सारे के सारे जो हैं अमार्फिस सॉलिड हैं, मीन इनके अंदर कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है इनके मालिक्यूल के दरमियान। उसके बाद जो अमार्फिस सॉलिड होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो शार्प नहीं होते, ठीक है, मीन ये थोड़ी देर बाद पिघलना स्टार्ट करती हैं चीज़ें। तो उसके बाद सेकंड टाइप है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड नाम से ही हमें पता चल रहा है कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में होंगे, और हम जो क्रिस्टल्स होती हैं वो बिल्कुल थ्री डिमेंशनल होती हैं, मीन उसका जो पार्टिकल की अरेंजमेंट होगी उनके अंदर वो थ्री डिमेंशनली होगी, मीन अगर ये हम इस तरीके का ड्रा करें, ये एक क्यूबिक शक्ल है, तो इसका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जी एक्सिस है। तो अगर यहाँ से अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जानते हैं कि इसका थ्री डिमेंशनल शेप हो गया, और इसके बिल्कुल ही अच्छे और मखसूस किस्म के एंगल्स भी होंगे, और एंगल्स के साथ साथ इनके फेसेस भी होंगे, मतलब साइडें भी होंगी, फेसेस भी होंगे, और इसके साथ साथ इसके एंगल्स भी होंगे। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड या डायमंड। सोडियम क्लोराइड का हमें पता है कि क्यूबिक शक्ल होती है इसकी, और इसमें जो पार्टिकल होते हैं बिल्कुल ही अच्छे अंदाज से थ्री डिमेंशनली अरेंज्ड होते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन अमार्फिस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है सॉलिड की, वो है एलोट्रॉपी। तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना प्रॉपर्टी है सॉलिड, ये शो करते हैं। एलोट्रॉपी क्या होती है? देखें, एक चीज़ का मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाना, एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाना, उसको बोलते हैं हम एलोट्रॉप। मीन जो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट हैं
वो एक से ज्यादा शक्लों में पाए जाते हैं, और इस फिनोमिना को हम एलोट्रॉपी बोलते हैं, ठीक है। और जो शक्लें बनती हैं हमारे पास, मीन जो फॉर्म्स एलोट्रॉपी के नतीजे में बनती हैं, उनको हम एलोट्रॉप बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एलोट्रॉप जो होते हैं या एलोट्रॉपी का फिनोमिना है, ये सॉलिड बेसिकली शो क्यों करते हैं? तो दो रीज़न है उसके पीछे, या तो उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स का डिफरेंस होगा, नंबर ऑफ एटम्स के डिफरेंस की वजह से भी वो एलोट्रॉप होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप होते हैं, ये हमारे पास ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन है, और ये हमारे पास ओजोन है, जिसके अंदर तीन पार्टिकल या एटम होते हैं। तो मीन ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, और मीन एक O2 और एक O3। मीन अगर आप गौर करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स का डिफरेंस है, तो नंबर ऑफ एटम्स के डिफरेंस की वजह से जो एलोट्रॉप बनते हैं, एक तो रीज़न ये हो गई। सेकेंड रीजन ये होती है कि डिफरेंट अरेंजमेंट होती है उनकी, मीन वो डिफरेंट शक्लों में पाए जाएंगे, डिफरेंट शक्लों में पाए जाएंगे। कैसे? लेट से ये हमारे पास सल्फर है, तो ये जो सल्फर है ये एक रोम्बिक शक्ल होती है, उसकी शक्ल में भी पाया जाता है, और ये हमारे पास मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी पाया जाता है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है कि ये जो दो शक्लें हैं, जब एक एट अ टाइम एग्जिस्ट करेंगी, मीन को एग्जिस्ट करेंगी, तो वो कौन सी सूरत होगी? देखें, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर दो फॉर्म जो होती हैं, दो एलोट्रॉपिक फॉर्म जो होती हैं, वो को एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सल्फर दो शक्लों में पाया जाता है, मीन रोम्बिक और मोनोक्लिनिक फॉर्म में पाया जाता है। तो इस वाले टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे कि ये सल्फर के लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर है। ट्रांजिशन, सिंपल वर्ड में अगर बात करें उर्दू में हम, तो ट्रांजिशन का मतलब होता है मुंतकली। तो वो वाला टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर S8 रोम्बिक फॉर्म से मोनोक्लिनिक फॉर्म में चला जाता है। मतलब क्या है कि उसकी जो अरेंजमेंट है ना स्ट्रक्चर के अंदर, वो डिफरेंस उसमें आ जाता है। आगे हम और एग्जांपल लेंगे, उससे मजीद क्लियर होगा। लेट से ये हमारे पास फास्फोरस है, फास्फोरस, और ये वाइट है, इसका कलर मीन वाइट है, और इसका रेड है। अगर आप अब हम बात करें कि ये किस टेम्परेचर के ऊपर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, तो वो है 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर जो फास्फोरस है वो रेड फॉर्म में भी होगा और वाइट फॉर्म में भी होगा, मीन दोनों फॉर्म में को एग्जिस्ट करेगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर। तो इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन टेम्परेचर। देन अगेन यहां पे टिन है, ये टिन है, TIN, टिन। तो ये ग्रे और टिन वाइट। अब ये जो ग्रे है ये क्यूबिक फॉर्म में पाया जाता है, और क्यूबिक फॉर्म इस तरीके की होती है, और ये जो टिन वाइट है ये टेट्रागोनल फॉर्म में होता है, और टेट्रागोनल फॉर्म इस तरीके की होती है। अगर यहां पे आप गौर करें तो देखें, एक ही एलिमेंट था, लेकिन इस वाले टेम्परेचर के ऊपर उसके साथ क्या हुआ कि उसका स्ट्रक्चर, मतलब उसका अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया है। यहां क्यूबिक था, इस फॉर्म में था, लेकिन यहां पे इस तरीके का हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर मुख्तलिफ जो सॉलिड्स होते हैं वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर वो कहलाता है। तो ये था एलोट्रॉप, मीन एक चीज का, एक एलिमेंट का मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाना, मोर देन वन फॉर्म एग्जिस्ट करना, इसको हम बोलते हैं एलोट्रॉपी।
और वो जो शक्लें बनती हैं उनको बोलते हैं एलोट्रोप्स। तो होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी, अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और शेयर ज़रूर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।